कुछ लोग कांच के टुकड़े जैसे होते हैं, जैसे कि दुख और तकलीफों के आ जाने पर घबरा जाते हैं और गर्म हो जाते हैं, और कुछ लोग हीरे के समान होते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए पर अपने मन को हमेशा शांत रखते हैं। ये कहानी हीरे की परख भी इसी के बारे में है। एक दिन एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। राजा की सारी प्रजा सुबह की धूप में बैठी हुई थी। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और उस पर कुछ कीमती चीजें भी रखी हुई थी। उस समय राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मेरे पास दो वस्तु है और मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी दोनों वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ पर कोई भी उसे परख नहीं पाता है। मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उसे थोड़ा और अपने करीब बुलाया और उनसे पूछा कि वो दो कौन सी वस्तुएं हैं। उस व्यक्ति ने वो दोनों वस्तुएं राजा के उस कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं दिखने में एक समान थी। उनका आकार, रूप, रंग सब कुछ एक जैसा ही था। राजा ने देख कर कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक समान हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में ये दोनों एक समान है पर वास्तव में ये दोनों बिल्कुल अलग है। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लगती है, इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि आप में से कोई मुझे ये बता दो कि इनमें से बहुमूल्य हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है, तो मैं हार मान लूंगा और मैं बहुमूल्य हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। किंतु शर्त ये है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की जो कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने कहा, मैं तो उसे नहीं परख पाऊंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, जो सभा में उपस्थित थे, वो सब ने उसे परखने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो उससे राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या अंतर था वो परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद राजा की सभा में थोड़ी हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आ रहा था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी है और ये भी सुना है कि कोई भी उस दो वस्तु में से हीरा कौन सा है ये परख नहीं पाया है। आप मुझे भी एक अवसर दीजिए। एक आदमी के सहारे वो अंधा आदमी राजा के पास पहुंचा। उस अंधे आदमी ने राजा के कहा कि मैं तो जन्म से अंधा हूं पर फिर भी मैं एक मौका लेना चाहता हूं जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं और यदि मैं सफल ना हुआ तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। राजा को लगा कि मुझे इसे एक अवसर देना चाहिए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और उनसे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने एक क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी इतने सारे राज्यों को जीतकर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला कि आपने बिल्कुल सही पहचान की है, धन्य हो आप, मैं ये हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी खुश हो गया कि आखिर कोई तो परखने वाला मिला। उस आदमी ने, राजा ने और सभा में हाजिर सभी व्यक्ति ने उस अंधे आदमी से पूछा कि आखिर तुमने कैसे पता किया कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। उस अंधे आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म हो गया था वो कांच था। ये कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी जिंदगी में भी दुख, तकलीफ और परेशानियां आती रहती है।
लेकिन उन सारी तकलीफों और परेशानियों में भी जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। लेकिन जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान होता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफों के आने पर कांच के टुकड़े के समान कभी भी गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। अगर आपको हमारी स्टोरी हीरे की परख अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।